इसका प्रयोग कब करते हैं दीदी? ये गड्ढा में हम पौधा लगाते हैं, तो पौधा लगाने के बाद हम पानी डालते हैं। पानी ना डालने के पहले हम ये एक एक कप दवा ये गड्ढा में डाल देंगे भैया, तो फिर दीमक के लिए ना सक होगा, दीमक मर जाएंगे इसके दवा के पड़ने से। घोल तो बन गया भैया, अब हम हर गड्ढे में पौधा लगाएंगे। अच्छा, लगा के बताएंगे दीदी? हाँ भैया दिखाएंगे। भैया अब हम यहाँ पौधा लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे, ये नीचे वाला टमाटर का पौधा का पत्ता है जो जमीन में टच होना चाहिए। ये हम ऐसे सीधे किए हैं तो ये नीचे का पत्ता यहाँ टच हो रहा है जमीन में, ये है। अच्छा, ये टच होना चाहिए जमीन में। हाँ भैया ठीक है दीदी। भैया हम पानी ना डालने के पहले ये पौधा में हम एक कप दवा डालते हैं, इसमें दीमक नहीं काटता। अच्छा भैया, हम ऐसे ही हर गड्ढा में पौधा लगा लगा के और दवा डालते जाएंगे। भैया हम ऐसे ही पौधा लगाने के बाद ये दवा को रखते हैं ताकि मेरा पौधा स्वस्थ रहता है। इस प्रकार से पौधा लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं दीदी? भैया ये इतना दूरी रखने से पौधे को अच्छे से भोजन मिलता है, हवा मिलता है, और फिर निंदाई गुड़ाई में भी आसान होती है और पैदावार भी अधिक होती है। भैया आपके कहने का मतलब ये है दीदी कि लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखी जाए और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखी जाए, है ना दीदी? तो इसमें जो खाद है, पानी है, एक एक पौधों को पर्याप्त मात्रा मिल जाती है और निंदाई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है। अच्छा, इतना तो है ही, लेकिन ये दवाई जो हम डाले हैं उससे दीमक नहीं काटता है ये पौधा को। अच्छा, जो आपने दवाई डाला है। हाँ भैया। अच्छा ठीक है दीदी। जो आपने ये टमाटर इस प्रकार से लगाए दीदी, और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया हम ये सभी टमाटर लगाने वाले किसानों को हम यह संदेश देंगे कि वो भी ऐसे ही खेती करें और अधिक से अधिक पैदावार लें। आपने इस प्रकार से लगाने की जो टमाटर लगाते हैं दीदी, इस प्रकार जानकारी दिया और अपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राम राम। राम राम।